ठीक है, हेडिंग दो, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूं। दिख रहा होगा आपको भी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग दो, LOS। तो हमें यही तो कराना है आज में, लाइन ऑफ साइन का डेरिवेशन। ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, LOS दैट इज लाइन ऑफ साइट, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो। वैसे तो डेरिवेशन ही आता है, ज्यादा थ्योरी इसमें है नहीं, केवल डेरिवेशन है। सो स्पेस वेव कम्युनिकेशन, स्पेस वेव कम्युनिकेशन इज पॉसिबल ओनली इज पॉसिबल ओनली अप टू और स्लाइटली बियॉन्ड स्लाइटली बियॉन्ड LOS डिस्टेंस, LOS डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज डिटरमाइंड बाय इज डिटरमाइंड बाय ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीना। ये हम लोग कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इतनी क्लास में मैंने आपको समझा दिया कि ट्रांसमिटिंग क्या होता है और रिसीविंग क्या होता है। तो अब शायद आपको लाइन समझ में आनी चाहिए, ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीना, तो उसी से संबंधित है ये। ठीक है, इन आइडियल कंडीशन, फिर एक बार पढ़ लो वापस से आप लोग इसको। इन आइडियल कंडीशन द पाथ ऑफ द वेव इज कंसिडर्ड एज स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ। ऐसा मानते हैं कि जो वेव है ना वो एकदम स्ट्रेट पाथ में ऊपर जाएगी, एंड देयर इज नो वेरिएशन एंड देयर इज नो वेरिएशन इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद द एल्टीट्यूड, विद द एल्टीट्यूड। अब मैं आपको एक सिंपल सा डायग्राम बना के दिखाऊंगा, आप लोग डायग्राम, जिससे आपको ये सीधी समझ आएगी। जैसे मान लो ये अर्थ की सरफेस है, हम लोग अर्थ की सरफेस पर रहते हैं ना बेटा, ये अर्थ की सरफेस है और हम लोग यहीं पर रहते हैं। ठीक है, दो एंटीना यहाँ पे खड़े हुए हैं, मान लो ये हमारा एक ओरिजिन मान लेते हैं हम लोग। तो सपोज ये एक टावर है, इधर खड़ा हुआ है दूसरा टावर, एक एग्जांपल के तौर पे। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लेता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लेता हूँ मैं डी वन है और एक डी टू है। ये तो डी टू डिस्टेंस मान लेते हैं और ये डी वन डिस्टेंस मान लेते हैं। ठीक,
अब इसमें ना ये रिसीवर टावर, मतलब यहां से आपने फोन लगाया, तो आपने मान लो जयपुर से फोन लगाया, तो ये जयपुर का टावर है, और जयपुर के टावर की हाइट कितनी है, एच टी। टावर कहाँ खड़ा हुआ है, अर्थ की सरफेस पे। तो अल्टीमेटली ये टावर सर तो गए। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है ये टावर की हाइट है, मतलब जयपुर में जो टावर खड़ा हुआ है, यहाँ से आपने फोन लगाया, और कहाँ पे लगाया, अहमदाबाद लगाया मान लो, तो ये अहमदाबाद का टावर है, ये रिसीविंग टावर कहलाता है, दैट इज द एच आर। ठीक है, ये अर्थ की रेडियस है, ये अर्थ का ओरिजिन है, अर्थ की रेडियस मान लीजिए कितनी है, आर सी मान लेते हैं, सपोज रेडियस ऑफ अर्थ, ये भी अर्थ की रेडियस है, ये भी अर्थ की रेडियस है। हम लोग कहाँ है, अर्थ की सरफेस पर। टावर कहाँ खड़ा हुआ है, अर्थ की सरफेस पर। टावर की हाइट आपको दे दी मैंने, ठीक है, आप चाहो तो यहाँ लिख लो, भूल जाओगे, वरना वैसे तो हम लोग कितने दिन से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं। हियर एस टी इज द हाइट ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटीना, हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, एच आर क्या है यहाँ पे, हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना, हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना, और आर ई क्या है यहाँ पे, आर सी, चलो ई लिख दो, ये सी मतलब अच्छा नहीं लग रहा ना, ई लिख दो इसको ना, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये सब पैरामीटर्स आपको समझ में आने चाहिए, रेडियस ऑफ अर्थ। लेट डी इज द डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग टावर, मान लो जयपुर से अहमदाबाद की डिस्टेंस कितनी है, डी है, सो लेट डी इज द डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीना। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू और ब्लॉक डायग्राम इक्वेशन नंबर 1। अब मान लो मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाता हूँ, मान लो ये पॉइंट जो है ये पी है, ये पॉइंट जो है वो क्यू है, तो ट्राइंगल बना हुआ है पी क्यू ओ, तो इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा सकते हो आप लोग आराम से। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ, और यहाँ पर इसको मैं, अच्छा इसको क्यू मत दो, इसको आर दे दो नाम, है ना, इसको आर नाम दो, क्यू इसको नाम दे दो, तो ये ट्राइंगल बना हुआ है, वो भी रेक्टेंगल बना हुआ है एक तरह से, तो रेक्टेंगल 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री, तो इसमें पाइथागोरस लग सकती है आराम से। तो पी क्यू ओ की बात अगर मैं करता हूँ मान लो, सो इधर रेक्टेंगल पी क्यू ओ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या होगा इसमें आपको देख लो, ये रहा यहां से लेके यहां तक का रेडियस ऑफ अर्थ से प्लस हाइट ऑफ एंटीना, है ना, और ये है आपका बेस और ये है आपका परपेंडिकुलर, तो दोनों के बराबर हो जाएगा। तो बेस क्या है हमारे पास, बेस तो मेरे पास क्या है, डी वन है, और परपेंडिकुलर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है। इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो ये कितना मिलेगा आपको, डी वन स्क्वायर इज इक्वल टू एच टी स्क्वायर प्लस टू आर ई आर टी, टू आर ई एच टी। अब एक चीज है अपने पास, बेसिकली प्रॉब्लम ये है, हम ये जानते हैं कि रेडियस ऑफ द अर्थ इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द हाइट ऑफ द टावर, मतलब आपका बेचारा एंटीना कितना होता है, बहुत कम होता है।
मिनट, नॉर्मली दे दो बस, वर्ल्ड वाइड में मेरे को सेंड कर दो वर्ल्ड वाइड। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है तो आगे चलते हैं। हमारे पास, हम ये बात जानते हैं कि रेडियस ऑफ द अर्थ जो है बहुत ज्यादा होती है हाइट ऑफ द टावर से, तो हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि इसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं। तो डी वन डिस्टेंस ही अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगी, एच टू आर ई एच टी के बराबर हो जाएगी। इसको क्वेश्चन नंबर दो नाम दे दो। सिमिलरली दूसरा वाला रेक्टेंगल यूज में ले लो, जिसे हम बोलते हैं ओ क्यू आर। तो अगर आप ओ क्यू आर रेक्टेंगल यूज करोगे, सो सिमिलरली पूरा सॉल्व भी करेंगे, मैं आपको डायरेक्ट आंसर दूंगा, सिमिलरली वो डी टू पर अप्रोक्सीमेटली इतने आ जाएगा, अंडर रूट सेम ही आएगा, टू आर ई एच टी, है ना। अगर दो और तीन और का उपयोग करते हैं, सो इक्वेशन नंबर दो और तीन से वैल्यू आप लोग कहाँ पुट कर दो, एक में पुट कर दो। सो ये हमारे पास एक है, ये मेरे पास दो और तीन है, दोनों सेम वैल्यूज हैं। तो अगर मैं दो और तीन से वैल्यू एक में पुट कर देता हूँ, तो डी कितना आ जाएगा, अच्छा यहाँ पर सॉरी, ये एंटी रिसीविंग ही थी ना, ये सॉरी, ये रिसीविंग का जाएगा, वो ट्रांसमिटिंग का था, ये रिसीविंग का जाएगा। तो अंडर रूट टू आर तो यहाँ पर बाहर आ जाएगा, एक तो ट्रांसमिटिंग का था और एक रिसीविंग की हाइट थी। ठीक है, ये सब सॉल्व कर लेना। अर्थ की रेडियस आपको पता है 6400 किलोमीटर होती है। अर्थ का रेडियस अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 6400 किलोमीटर होता है। ये कोई फिक्स रेडियस नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट रेडियस है। ठीक है, तो ये आप लोग सोल्व कर सकते हैं इस अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। इफ वी कंसिडर, अभी तक तो मैंने केवल स्ट्रेट कंसिडर किया है ना। सो इफ वी कंसिडर, कंसिडर द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव, इन द एटमोस्फेयर, इन द एटमोस्फेयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर चेंजेस विद हाइट, मतलब हाइट बढ़ाते जाओगे तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, चेंजेस विद हाइट, चेंजेस इन अबाउट द ग्राउंड, अबाउट ग्राउंड नियर द सरफेस, नियर द सरफेस मतलब ग्राउंड सरफेस के ऊपर है और थोड़ा सा है, अबाउट द ग्राउंड नियर द
सरफेस ऑफ द अर्थ, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन यूनिटी, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन यूनिटी। And at greater height, and at greater height, where the air density, where the air density approach zero. Approach zero, it decreases to unity. जहां पर air density नहीं होगी वहां पर effective index कम हो जाएगी। कहां से? x से कम हो जाएगी ना, x से कम हो जाएगी। This decrement of refractive index, this decrement of refractive index with height, with height is the cause for, is the cause for refraction and refraction and ratio wave band, sorry, and radio wave band towards the region of higher refractive index, higher refractive index. The refraction of radio wave, in the troposphere, in the troposphere, in the troposphere is shown. अब देखो आपको दिखाने कैसे कैसे होता है, यहाँ देखना। जैसे मान लो ये तुम्हारे पास सेंटर है, ठीक है, ये आपकी अर्थ है। अर्थ के ऊपर किसी हाइट पर एंटीना लगा हुआ है। अगर आप थोड़ा और ऊपर जाओगे तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और चेंज होगी। तो हाइट बढ़ने से उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंजेस आते हैं, हाइट बढ़ने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंजेस आते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज़ देखते हैं ना। जैसे मान लो आपकी वेव का प्रोपोगेशन हुआ है, तो वेव यहाँ से चल के यहाँ पे आई है, डी थीटा मान लेते, इसने जो कर्वेचर कवर किया है वो डी थीटा है। ये अर्थ की रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक आपकी अर्थ है, उसके बाद से ये एंटीना लगा हुआ है, तो ये एंटीना मतलब टावर, रिलायंस का टावर एच हाइट तक, और फिर आपकी वेव थोड़ा सा और ऊपर जाएगी मान लो एच प्लस डी एच, तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले म्यू थी, अब चेंज होकर क्या हो गई, म्यू प्लस डी म्यू हो गई। पहले वो सी पे था, अब वो डी पे आ गया।
वेव वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ गई, तो पहले मान लो वी थी, सो वी प्लस डी वी एंड डी टी, ठीक है ये डी टी हो गया, तो ये ए और ये बी। और एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आर मान लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर में मान लेता हूँ, ठीक है। अब इस डायग्राम में जो जो भी कुछ लिखा हुआ है वो सब के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लिख लो, दैट इज आर इज द, जो आर है वो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑफ द ट्रेवलिंग रेज ऑफ, ये वी डी डी है ना, ऑफ द ट्रेवलिंग रेज, तो जो रे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आई है उसकी डिस्टेंस वी डी टी है, ठीक है। आर ई इज द रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, एच इज द हाइट ऑफ, एच इज द हाइट ऑफ ट्रेवलिंग रेज, ट्रेवलिंग रेज अबाउट द अर्थ, अबाउट द अर्थ, ठीक है। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हाइट एच, ऑफ हाइट एच। हाँ, तो इतनी चीजें होने के बाद अब हम डेरिवेशन करेंगे थोड़ा सा, है ना। डेरिवेशन कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे मान लीजिए वी फाइंड अ रिलेशन, सो वी फाइंड अ रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑफ द रेडियो वेव, ऑफ द रेडियो वेव एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। सो एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। डायग्राम में आपको एंगल दिख रहा है डी थीटा, आर्क कोई सा भी ले लो, ऊपर वाला भी ले सकते हो वी प्लस डी वाला, और नीचे वाला भी ले सकते हो वी डी डी वाला भी, कोई सा भी ले लो, एंगल तो वही का वही आएगा। सपोज मैं नीचे वाला लेता हूँ तो डी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, वी डी टी उसका आर्क है, और रेडियस कितना है उसका आर है, क्योंकि आर ई नहीं होगा, आर ई तो रेडियस ऑफ द अर्थ है, बट जो आपका वेव जा रहा है ना, वेव कहाँ से कहाँ जाएगा, जयपुर से अहमदाबाद के टावर तक जाएगा, तो वो वेव का पाथ है, तो उसका रेडियस कितना है पाथ का, वो कैपिटल आर है, ठीक है ना। या फिर इसको बोल सकते हो आप लोग आर डी थीटा इज इक्वल टू वी डी टी। इसी प्रकार से ऊपर वाला आर्क ले लो वी प्लस डी वाला, अगर वो आर्क ले लिया तो आर प्लस डी एच, क्योंकि अब हाइट बढ़ गई उसकी ऊपर वाले आर्क की, एंगल तो वही का वही है, और वेलोसिटी भी उसकी बढ़ गई, वेलोसिटी क्या हो गई उसकी, वी प्लस डी वी डी टी। क्वेश्चन नंबर टू, अब दोनों इक्वेशन में डी थीटा तो आ ही रहा है ना, तो दोनों को सबस्ट्रैक्ट कर दो, नाउ सबस्ट्रैक्टिंग, दो में से एक को सबस्ट्रैक्ट कर दो, तो कुछ कटेगा इसमें से, आर कट जाएगा ना, तो कितना बच जाएगा डी एच, और साथ में डी थीटा बच जाएगा, और यहाँ डी वी बच जाएगा, और साथ में डी टी बच जाएगा,
ये कितना हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एच। ठीक है नाउ, अब एक चीज आप जानते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या होता है, सी अपॉन वी, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां से अगर मैं वी निकालता हूं तो वी कितना हो जाएगा मेरे पास, अल्टीमेटली सी अपॉन म्यू। ठीक है ये हो जाएगा। अब यहां से समस्या है कि मुझे इक्वेशन नंबर 3 में डी वी अपॉन डी एच चाहिए, तो पहले मैं वी की वैल्यू को ऊपर पुट करता हूँ, तो हम क्या करते हैं 4 से वैल्यू 3 में पुट कर देते हैं, तो इससे हो ये जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी एच एंड सी अपॉन म्यू। सो मेरे पास ये हो जाएगा माइनस सी अपॉन म्यू स्क्वायर एंड डी म्यू अपॉन डी एच इक्वेशन 6। ठीक है अब मैं इक्वेशन नंबर 1 का यूज करूंगा। अब इक्वेशन नंबर 1 में आपको दिखा दे रहा है इक्वेशन नंबर 1 है क्या, फ्रॉम वन में एक चीज लिखी हुई है, दैट इज रेडियस इंटू थीटा इज इक्वल टू आर्क, आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल। तो यहां से एक चीज निकल गई, डी थी टी अपॉन डी टी बराबर कितना हो जाएगा, वी अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 7। अभी 7 का यूज 6 में कर लूंगा मैं, तो ये 7 का यूज 6 में करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, वी अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन म्यू स्क्वायर डी म्यू अपॉन डी एच। ठीक है तो यहां से क्या क्या कट गया, वी है ना यहाँ पे, तो ये वेलोसिटी है ना, तो सी है, अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 1 ले लूँ मान लो किसी कंडीशन में, इफ या फिर एक काम और कर सकते हैं इसमें, ये करने से पहले इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर दूँगा, माइनस सी अपॉन म्यू और 1 अपॉन म्यू डी म्यू अपॉन डी एच। अब इक्वेशन नंबर आप लोगों ने 4 में देखो लिखा है सी अपॉन म्यू बराबर वी होता है, सो यूजिंग 4, सो यूजिंग इक्वेशन नंबर 4, 4 में आपने क्या लिखा है, माइनस वी 1 अपॉन म्यू है ना। अगर किसी कंडीशन में, अगर मैं रिफ्रैक्ट, ये तो वी से भी कट गया, अगर किसी कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाए मान लो, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1, तो मेरे पास आर का एक फॉर्मूला बन जाएगा, आर इज इक्वल टू माइनस डी एच अपॉन डी म्यू, क्योंकि वो उल्टा है ना ऊपर से। तो ये एक बात तो मेरे सामने निकल के आ गई। ठीक है अब एक चीज और लिखेंगे हम लोग, दिस इक्वेशन शोज, दिस इक्वेशन शोज दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द वेव इज अ फंक्शन ऑफ इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद हाइट, वो आपको दिख ही रहा है उसमें, विद हाइट। सो इन प्रैक्टिकल कंडीशन होता क्या है, प्रैक्टिकली इन प्रैक्टिकल कंडीशन द रे पाथ आर स्ट्रेट,
रे पाथ इज स्ट्रेट, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी इज सेम फॉर बोथ इज सेम फॉर बोथ स्ट्रेट एंड कर्व्ड स्ट्रेट एंड कर्व्ड पाथ। इसका मतलब ये है, इधर देखो मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, थोड़ा समझ में आ जाए। मान लो तुम्हारे पास ये अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ की सरफेस है, ये ओरिजन है, ये अर्थ का रेडियस है, वो कोई काम का नहीं है, ये वेव का पाथ है। अगर वेव का पाथ मैं कर्वेचर ना मान के स्ट्रेट मान लूँ, ये स्ट्रेट पाथ मान लेता हूँ, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग मान रहे हैं, पहले भी हमने कितना माना था, आर, ठीक है। अगर मैं स्ट्रेट अगर ले लेता हूँ मान लो, तो स्ट्रेट पाथ के लिए डिस्टेंस, ये स्ट्रेट डिस्टेंस मान लो कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की स्ट्रेट डिस्टेंस हम लोग आर डैश मान लेते हैं, ठीक है। ये जो कंडीशन है, यहाँ से लेके टी से लेके एस तक ले लेते हैं हम लोग, ये टी है और ये एस है, ये ऊपर वाला पॉइंट क्यू है, ये पी पॉइंट मान लो, और ये डी डिस्टेंस मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है। और ये एंटीना की हाइट एच, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट एच, ये छोटी सी हाइट और मान लो डी एच, मान लो इस कंडीशन में हम लोग लेते हैं। सो एक ट्राइंगल बना हुआ है, वो भी रेक्टेंगल टाइप का, ओडेश पी क्यू का, ये ओडेश है, ये पी है और ये क्यू है, ये एक रेक्टेंगल है। सो इस रेक्टेंगल में देखेंगे तो वही पाइथागोरस लगा दो, तो डी स्क्वायर प्लस आर डैश प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर डैश प्लस एच प्लस डी एच। इसको सॉल्व करोगे तो आफ्टर सॉल्विंग दिस आपको एक चीज मिलेगी, डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एच स्क्वायर प्लस टू एच डी एच, एक्चुअली डी एच स्क्वायर है, डी एच स्क्वायर प्लस टू एच डी एच प्लस टू आर डैश एच प्लस डी एच, ठीक है, प्लस टू आर डैश एच, वही कंडीशन है। डी एच तो बहुत छोटी डिस्टेंस है, तो ऑब्वियस सी बात है डी एच स्क्वायर इज वेरी 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 लेस देन टू डी एच टू आर डैश प्लस टू एच, ठीक है। तो वो नेग्लिजिबल कर देंगे हम लोग, है ना, वो नेग्लिजिबल कर दिए, क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एच डी एच प्लस टू आर डैश और डी एच, तो यहाँ से डी एच निकल जाएगा डी स्क्वायर अपॉन टू आर डैश प्लस एच। अब वही चीज़ वापस लिखेंगे कि रेडियस जो होता है ना वो अर्थ का है, वो अर्थ का रेडियस मान लेते हैं कितना है, हाइट से बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको नेग्लिजिबल कर देंगे हाइट को, तो कितना हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन टू आर डैश। इसको इक्वेशन नंबर 8 नाम दे दो। रिलेशन ऑफ इन वेरिएशन, द रिलेशन इन वेरिएशन इन एल्टीट्यूड डी एच फॉर अ ट्रांसमिशन डिस्टेंस, फॉर
अब ट्रांसमिशन डिस्टेंस डी, वो क्या हो जाएगा? जैसे डीएच है तो ये डी स्क्वायर अपॉन टू, ये तो हो जाएगा कर्वेचर, मतलब अर्थ का रेडियस, माइनस ये हो जाएगा कर्वेचर का रेडियस। ऑब्वियसली बात, ये क्वांटिटी बड़ी है पीछे वाली, क्योंकि आर बड़ा है तो पीछे वाली छोटी हो गई क्वांटिटी, वो है ना। सो अगर मैं इस चीज, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, 8 से वैल्यू 9 में रख दो, 8 से वैल्यू 9 में रख दो, मान लो 9 इक्वेशन याद रख लेना बस, तो ये वैल्यू रखते ही डी स्क्वायर, डी स्क्वायर कट जाएगा तो अल्टीमेटली कितना बचेगा मेरे पास, वन अपॉन आर। क्वेश्चन नंबर 10, आर डैश यहाँ पर इफेक्टिव रेडियस ऑफ अर्थ है। आर डैश क्या है यहाँ पे? इफेक्टिव रेडियस ऑफ अर्थ जो उस टावर की वजह से आई है, और ये टावर खड़ा हुआ है तो कुछ ना कुछ अर्थ की रेडियस में ऐड होके आएगी मान लो। तो अगर मैं आर डैश बराबर ये लिख दूं कि के आर ही होता है, तो ये लिखते ही मेरे पास एक चीज ये पुट करना ऊपर और सोल्व करना आप, सोल्व करोगे तो के का वैल्यू आएगा वन अपॉन वन प्लस, सॉरी वन अपॉन वन माइनस आर ई अपॉन आर। ये आपको सोल्व करना पड़ेगा ऊपर पुट करके, आर डेज बराबर के आर ई ऊपर पुट करना यहाँ पे और सोल्व करना तो के इज इक्वल टू वन माइनस आर ई अपॉन आर आ जाएगा। ऊपर हमने कहीं निकाला हुआ है कि आर इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी एच अपॉन डी वी, ये हमने निकाला हुआ है, तो ये इसको यहाँ पुट कर दो। सो मेरे पास के आ जाएगा, के इज इक्वल टू वन प्लस आर ई डी वी अपॉन डी एच, क्योंकि मैंने आर की वैल्यू पुट कर दी। तो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है बस होने वाला है ये खत्म। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, इफ इफ माइनस डी वी अपॉन डी एच फॉर स्टैंडर्ड एटमोसफेयर, फॉर स्टैंडर्ड एटमोसफेयर इज टेकन, इसकी एक वैल्यू होती है वो आपको याद रखनी है, इज टेकन लाइक 0.04 × 10⁻⁶ पर मीटर, एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज टेकन अप्रोक्सीमेटली 63, हम लोग इसको 6400 पढ़ते हैं नॉर्मली, अगर ये ले लेते हैं हम लोग, तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो तो हमारे पास जो के का वैल्यू आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली वो आ जाएगा 4/3, ये पुट करने के बाद। अब के बराबर हम जानते हैं आर डी बराबर क्या होता है, के आर ही होता है, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर डी अपॉन आर ई बराबर कितना हो जाएगा, 4/3 अल्टीमेटली, तो आर डी बराबर आर ई हो जाएगा 4/3। तो इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड एटमोसफेयर रिफ्रैक्शन फोर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन द इफेक्टिव पाथ, द इफेक्टिव अर्थ द इफेक्टिव अर्थ रेडियस इज 4/3 times, 4/3 times द एक्चुअल रेडियस, द एक्चुअल रेडियस ऑफ अर्थ, ऑफ अर्थ एंड द एक्चुअल लाइन ऑफ साइन, एंड द
एक्चुअल लाइन ऑफ साइन, कम्युनिकेशन रेंज, कम्युनिकेशन रेंज तो इतनी होती होगा ना। तो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, अंडर रूट टू आर डैश एंड अंडर रूट एच टी प्लस अंडर रूट एच आर। ये ऊपर निकाल लिया था हम लोगों ने, तो अंडर रूट टू मल्टीप्लाई विद द 4/3 आर ई अंडर रूट एच टी प्लस अंडर रूट एच आर। तो ये सॉल्व कर लो तो ये 3 से ये कट जाएगा, 4 × 2 = 8 और 4 × 2 = 8 के बाद ही कितना बच गया मेरे पास, 4.12 के आसपास हो जाएगा, 4 × 16। तो ये जो भी है किलोमीटर में आ जाएगा ये, है ना, और किलोमीटर में आपको लेके आना है ना इसको। तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 4 × 8 मल्टीप्लाई विद 6.44 और 10^3 किलोमीटर, और यहाँ पे आ ही जाएगा एच टी प्लस एच आर। तो ये हो गया अप्रोक्सीमेटली 3 × 6 = 8 × 16, 3 × 6 = 8 × 16, 4 × 16 तो 4.12। और ये अंडर रूट 10^3/2 सॉरी, ये आ जाएगा 1, 2, 3 सही है, जो भी ये किलोमीटर में आसपास आ जाएंगे इतना रेंज आ जाएगा। और ये पावर एडजस्ट कर लेना आर ई है तो आर ई बाहर निकल के आ जाएगा इस तरीके से। एनीवे तो ये जो भी है तुम्हारा आंसर है, अब जितना तुम सोल्व करो उतना सही है, बट ये डेरिवेशन था हमारा, ठीक है ना। और स्कोर देख लेना, अगर कुछ गड़बड़ तो देख लेना, बाकी डेरिवेशन तो हो गए तुम्हारा, ठीक है ना। बस ये लास्ट डेरिवेशन था, इसके बाद तुम्हारी माइक्रोवेव खत्म है। हालांकि माइक्रोवेव में और भी चीज़ें बची हुई है अभी, बट वो बाद में टाइम के अकॉर्डिंगली पढ़ा दी जाएगी। फिलहाल मंडे से मैं सॉलिड पढ़ाऊंगा, क्योंकि माइक्रोवेव में इतना पोर्शन बहुत ज़्यादा सेफ है आपके लिए, बाकी माइक्रोवेव को भी पढ़ते रहेंगे ज़िंदगी में, फिलहाल तो अपन सॉलिड पढ़ेंगे, है ना। टाइमिंग क्या रहे?